बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूंगी, ये थोड़ी यूनिक सी है, क्योंकि मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया अपने जहन से तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूँ। मैं बना रही हूँ कीमा और अंडे। ये बड़ी यूनिक रेसिपी है और इसे आप नाश्ते में बनाएं, बड़े मज़े के बनते हैं। डिनर्स में भी खा सकते हैं, लेकिन नाश्ते की ये ख़ास रेसिपी है और पराठे से अच्छी लगेगी। तो पूरी और पराठे से, तो मैं आपको इसकी अज्जा बता देती हूँ। ये मैंने लिया है तकरीबन एक पाव से कम है कीमा। ये मटन का कीमा ले रही हूँ मैं, पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं इससे बनाती हूँ। मटन का कीमा लिया है मैंने एक पाव, तकरीबन 250 ग्राम कीमा है। ये मैंने लिए थे 3 दरमियाने साइज़ के प्याज। इसको मैंने छुरी से, चॉपर में नहीं किया, छुरी से मैंने इसको बारीक, जैसे अंडों में डालते हैं ना, उस तरीके से इसको काट लिया। 3 प्याज ये लिए थे मैंने, एक टमाटर दरमियाने साइज़ का, एक टमाटर और 3 सब्ज मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। और 2 जाएंगे इसमें अंडे, 2 मैंने अंडे लिए हैं। और नमक इसमें हसबे जायका जाएगा, और कुटी हुई लाल मिर्च एक तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा अगर आप डालना चाहें, लेकिन इसमें ज़ीरा की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। धनिया मैं नहीं डालती कीमे में, कीमे की कोई भी चीज़ बनाऊँ उसमें धनिया मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और इसमें ऑयल जाएगा हसबे जायका, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम कीमा भुनेंगे ना उसमें जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं कीमा और अंडे। ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन आधा कप, इसमें मैं डाल दूंगी कीमा। कीमे को अच्छा सा आपने फ्राई करना है ताकि इसमें जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसको फ्राई करके कलर चेंज, जैसे इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इसमें इसकी स्मेल जो है ना वो एक खाने का, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके पानी में मैं इसको फ्राई कर दूंगी। लहसुन अदरक का थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले ताकि मसालों का फ्लेवर आ जाए इसमें। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, नमक और काली मिर्च डाल के अंडे भी मैं फेंट, जो अंडे फेंट के डालूंगी ना उसमें नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दूंगी ताकि उसमें फ्लेवर रहे। थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूंगी सफ़ेद मिर्चें, तकरीबन 4 टीस्पून, और नमक इसमें जाएगा हसबे जायका तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर का पेस्ट, ऑप्शनल है आपकी मर्जी डालनी, मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच टमाटर का पेस्ट। मैंने इसमें चम्मच डाला हुआ है, ये छोटा है तो मैं ये 2 डाल दूँ। इसको
इसको मैं थोड़ा सा इसकी आग जो है ना वो कम कर दूंगी, ताकि कीमा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मशीन का निकला हुआ है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको। बस हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर मैं पका लूँगी। लास्ट में सबज धनिया और पुदीने से हम इसको गार्निश भी करेंगे। थोड़ा सा ये पक जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अंडे फेंटने के लिए मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया है, एक खाने का चम्मच इसमें मैं डालूंगी, तकरीबन जितने दो अंडों में डालता है नमक और काली मिर्च, चुटकी, बड़ी चुटकी, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे अंडे, इसको विस्क से आपने फ्लफी से करना है, बहुत अच्छा सा फेंटना है आपने। मैं इसको फेंटती हूँ, इतना भून गया और इसका पानी भी बहुत खुश्क हो गया है, मैंने इसको अच्छा सा भून लिया है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे और खुशबू भी आए। बस इस स्टेज पे मैं इसका नमक थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, अगर नमक कम है तो फिर मैं और डाल दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी ये प्याज, चॉप प्याज, सिर्फ थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँगी और ये सबल मिर्चें, टमाटर और सबल मिर्चें डाल दी। और ये आप इस तरह से भी खा सकते हैं, मैंने आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर की हुई है सलाद की, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है ये। और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये अंडे, काली मिर्च और नमक डाल के मैंने इनको फेंट लिया था। इसको अच्छे से भून लेंगे हम, अंडों का कच्चा पन्ना रहे। इसमें अब थोड़ा सा मैं वैसे डाल देती हूँ सबज धनिया, थोड़ा गार्निश के लिए भी हम रख लेंगे, थोड़ा सा इसमें भी भून लूँ ताकि फ्लेवर भी आए और इसकी लुक भी अच्छी आ जाए। बस इतना इसको फ्राई भूनना है के अंडों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस आग थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी क्योंकि अंडों को मुझे भूनना है बहुत अच्छे से, इसमें कच्चापन ना रहे। ये आप नाश्ते में बनाएं, मेहमानों को सर्व करें, बहुत मज़े की रेसिपी है। अंडा शामी भी इसी तरह ही से मैंने आपसे शेयर की थी रेसिपी, उसका अलग टेस्ट है, इसका अलग, और ये बहुत मज़े की लगेगी इंशाल्लाह, पराठे से, पूरी से। बस ये रेडी है और मैं इसे अब सर्व कर दूँगी। ये देखें, कीमा और अंडे रेडी है, इसको हम करेंगे सर्व बाउल में, गरम गरम। सारा अच्छे से साफ कर लें इसको, सबज धनिया से गार्निश कर देंगे हम इसको।
सब्ज़ धनिए से हम इसको गार्निश करेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ताकि बस एक खूबसूरत सी लुक आ जाए। आजकल सब्ज़ धनिया बिल्कुल येलो येलो, बहुत येलो येलो सा आ रहा है, तो अच्छा ही नहीं लगता। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और दुआओं में मुझे याद रखें, कुकिंग विद हबीबा को अपने दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।